यौन शोषण करने वाले को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा का खुली छूट रही है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा की कोई ऐसी कमजोरी है जो इसकी मुट्ठी में कैद है? बृजभूषण शरण सिंह की, जो उसने 20 जनवरी को भी दावा किया था कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा, तो उस सुनामी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा क्या बह जाने वाले हैं? विनेश फोगाट का परिवार, माँ और भाई भी साथ था। विनेश ने यह दावा किया कि तब मैंने प्रधानमंत्री को यौन शोषणकर्ता के खिलाफ इशारे में बात की थी। नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी खंडन नहीं किया। इसका मतलब विनेश का यह आरोप भी 100% सत्य है कि जस्टिस लोया की हत्या के बाद जज डरे हुए हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस है, मुझे लगता है जज उसके दायरे में है। और तीन, आपको मालूम होगा दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे जस्टिस मुरलीधर की देर रात को इसलिए तबादला कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था। ये नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और 28 तारीख को 7 दिन में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट देनी थी। वो रिपोर्ट न देने का एक षड्यंत्र है और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये जानबूझ के कराया गया। लेकिन इससे और बड़ी बात आप सब देशवासियों को समझनी चाहिए, हमारे देश में यौन शोषण करने वाला बृजभूषण शरण सिंह दावा कर रहा है कि ये ओलंपिक विजेता लड़कियां मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं। ये कैसे, इसका मतलब, और नरेंद्र मोदी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये पहलवान लड़कियां मेरे खिलाफ लड़ रही हैं, मेरी सरकार के खिलाफ लड़ रही। बृजभूषण शरण सिंह जो दावा कर रहा है उसका कतई भी खंडन अभी तक ना तो नरेंद्र मोदी ने किया, ना अमित शाह ने किया, ना जेपी नड्डा ने किया। इसका मतलब यह हुआ कि 3-4 महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। एक, यौन शोषण करने वाले को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा का खुली छूट रही है। दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की कोई ऐसी कमजोरी है जो इसकी मुट्ठी में कैद है? बृजभूषण शरण सिंह की, जो उसने 20 जनवरी को भी दावा किया था कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा, तो उस सुनामी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा क्या बह जाने वाले हैं, तहस नहस हो जाने वाले हैं? एक बात। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अब खड़ा किया कि ये सारी की सारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, इन लड़कियों का बड़ा दावा है और खास करके जब अंडर एज की थी तब की लड़कियों के शोषण का जो जिक्र आ रहा है, उस जिक्र को करते हुए मैं ये तमाम जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, जो जानते हैं कि मर्यादा होती है, उन सब बातों के तह पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात कि लड़कियां यौन शोषण की शिकार नरेंद्र मोदी को मिली है, विनेश फोगाट का परिवार, माँ और भाई भी साथ था। विनेश ने यह दावा किया कि तब मैंने प्रधानमंत्री को यौन शोषणकर्ता के खिलाफ इशारे में बात की थी। नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी खंडन नहीं किया। इसका मतलब विनेश का यह आरोप भी 100% सत्य है। लेकिन आज रात ये जो घटनाक्रम किया गया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को आपको और हमको समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी दावा किया था, आज भी कह रहा हूं, एक, अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी इस मसले पर सुनवाई के दौरान गंभीरता के साथ में अगर फैसला सुनाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तत्काल कानून ये कहता है कि जिन पुलिसकर्मियों ने यौन शोषण के खिलाफ लिखी शिकायत का संज्ञान लेके एफआईआर में तब्दील नहीं किया, ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो बेंच थी उसकी जिम्मेवारी बनती थी, उन पर मुकदमा करके उन्हें तिहाड़ भिजवाना था, ताकि एफआईआर दर्ज होने के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा के इशारे पर नाच रही दिल्ली पुलिस यौन शोषणकर्ता को गिरफ्तार करने में आनाकानी नहीं करती। लेकिन ये सारा का सारा पटकथा किस लिए लिखा जा रहा है? कर्नाटक चुनाव की पोलिंग से पहले अगर बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके नरेंद्र मोदी ने तिहाड़ भिजवाया तो मैं दावा करता हूं मैंने भारत की यात्राएं की है। अभी भी 2018 में संविधान सम्मान यात्रा हमने की पूरे देश की।
हम कर्नाटक के लोगों को जानते हैं, कर्नाटक में दहाई का आंकड़ा भाजपा नहीं छू सकती है। इसलिए कर्नाटक में भाजपा के वोट बैंक को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं कर रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि थी, आज आप 28 तारीख को 7 दिन का वक्त दिया गया था और दिल्ली पुलिस ने पटकथा लिखी, अपने ही बदमाश भेजे। आज डीसीपी कह रहा है इलाके का कि देखिए कोई पुलिसकर्मी शराब पिया हुआ नहीं था, किसी और मेरे पास पुलिसकर्मी घायल हुए, ये पूरी पटकथा लिखी गई है। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारे पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में थे उन पर हमला हुआ, हमें जांच के लिए वक्त दिया जाए। और ठीक 10 अगस्त को कर्नाटक चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, इस बात को इतना फैलाए ताकि देश की सुप्रीम कोर्ट में बैठे इस मसले पर धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे मुख्य न्यायाधीश तत्काल जानबूझ कर किया जा रहा, मैं बता रहा हूं पटकथा का, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश तक ये बात पहुंचे कि आपने ईमानदारी के साथ में यौन शोषण की शिकार हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेताओं की बात नहीं सुनी। और यह क्रोनोलॉजी का हिस्सा है, पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते करते और फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के बाद इसे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करता है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का खेल भी भाजपा के वोट बैंक को कर्नाटक में बचाने के षड्यंत्र के तहत खेल रहा है। मतलब मैं दावे के साथ आरोप लगा रहे आपके पर आरोप कोर्ट हो सकता है करिए। अच्छा एक मिनट, चलिए चलिए, ये सवाल है कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहा हूँ। जितने भी देश में कानून के जानकार हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, आपको भी चाहिए इसमें कमेंट भी लिख के शेयर भी करें, क्या हमारे देश में यौन शोषण की शिकायत लेकर कोई किसी भी थाने में चला जाए मुकदमा दर्ज होता है? सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने संत आसाराम जिसका चेला नरेंद्र मोदी है, उसके बलात्कार पीड़िता का अगस्त 2013 का है, वो माँ बेटी पिता और बेटी थाने गए, मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रधानमंत्री और अमित शाह के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूरे देश में एक नई नजीर बना दी है। अब बलात्कार पीड़िताओं को, चाहे ओलंपिक पदक विजेता हो और चाहे आम गरीब गुरबा की हो, उन्हें पहले धरने पर बैठना पड़ेगा, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, फिर कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को हार करना पड़ेगा। और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि नाबालिग का बलात्कार होने के बाद भी योगी के राज में, मोदी के राज में, अमित शाह के राज में, संघी सरकार के राज में बलात्कारी यौन शोषण करने वाले गिरफ्तार होंगे कि नहीं। ये नजीर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खड़ी कर दी है। ये देश के लिए, मैं कहता हूँ संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, महिला अधिकारों के लिए और हमारे देश में बने कानून के लिए काला दिन है। आपके हिसाब से कौन सी नब्ज है जो दबा रखी, क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है कर्नाटक? चार पांच चीजें हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जस्टिस लोया की हत्या के बाद जज डरे हुए हैं। दो महत्वपूर्ण, दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस है, मुझे लगता है जज उसके दायरे में है। और तीन, आपको मालूम होगा दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे जस्टिस मुरलीधर की देर रात को इसलिए तबादला कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था दिल्ली पुलिस पर गोली मारने की बात करने वाले ठाकुर, जो अभी खिलाड़ियों के साथ भी अत्याचार कर रहा है, अनुराग ठाकुर का बात कर रहा हूँ, परवेश वर्मा का, और एक और कपिल मिश्रा जिसने नरेंद्र मोदी की शिरडी का मसला दिल्ली विधानसभा में उठाया था, किस प्रकार बेटी का अपहरण करने में नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री रहते शामिल थे, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था देर रात को। तीसरा डर यह हो सकता है कि जज डरे हुए हैं तबादले को लेकर के। और चौथा डर है हमारे देश में, आपने देखा होगा अरुण कुमार मिश्रा 8 महीने तक कब्जा करके रखे जब तक उन्हें NHRC का चेयरमैन नहीं बनाया गया, हो सकता है इस प्रकार का लालच भी हो। और इस प्रकार का लालच भी हो, जो 4 जज सड़क में आए थे उनमें से एक जज ने अपने लिए राज्यसभा का रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ,
हमारे देश में शहादत हुई है जस्टिस लोया की, हमारे जैसे तमाम लोग तरी पार के खिलाफ सुनवाई करने वाले उस शहादत को तब तक याद रखेंगे जब तक हमारे देश में हम जिंदा रहेंगे और हमारे देश में संविधान कायम रहेगा। इसलिए निडर होकर के, मौत तो आने की चीज है और जान जाने की चीज है, मैं जजों से अपील करता हूँ कि ये जस्टिस लोया की हत्या के बाद डरने की जरूरत नहीं है, मौत एक दिन जरूर आना है और जान ने जरूर जाना है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई मामला जो था सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने की मांग थी, मैंने एफआईआर दर्ज करवा दिया, अब जांच हाईकोर्ट करेगी। देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले दावा किया था, अब भी कर रहा हूँ, कानून ये कहता है कि शिकायत कहीं भी जाएगी जीरो एफआईआर दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है कि यौन शोषणकर्ता की गिरफ्तारी के लिए एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित कर दिया होता, अगर वो जेल चले गए होते एफआईआर के बाद बृजभूषण जेल में होता। अरे पहलवान लड़कियां इतने ओलावृष्टि और बर्फ में, मैं बर्फ कहूंगा, जब सबसे ठंड में भीग करके यहां नहीं बैठने को विवश होती, ये बात होती। लेकिन मुख्य न्यायाधीश शुक्र है, आपने तो देश में हम सब लोगों को बड़ी आशाएं थी कि आपके फैसले बड़े अच्छे हैं, लेकिन यकीन मानो महिलाओं के मसले पर, चाहे वह बिल्किस बानो का मसला हो, वे किरण नेगी का मसला हो, इन लड़कियों का मसला हो, मैं कहता हूं कि आपने देश में काला अध्याय लिख डाला है, ये बात मैं दावे से कहता हूं।